नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कच्ची हल्दी की रेसिपी बना रहे हैं, तो क्यों ना इसी का अचार ही बना डालें। हल्दी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सभी सब्जियों की जान है हल्दी। ना केवल मसाले के रूप में बल्कि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गुणकारी है। हल्दी और स्वास्थ्य दोनों का चोली दामन का साथ है। ये हृदय रोग, अल्जाइमर और कैंसर रोग के लिए बहुत लाभकारी है। डिप्रेशन और अर्थराइटिस में भी बहुत फायदा करती है। यह एंटी ऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। यह ब्रेन फंक्शंस को तो सुधारती ही है, मस्तिष्क की बीमारियों के खतरे को भी कम करती है। इनके अतिरिक्त सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब इसमें इतने गुण हैं, तो क्यों ना हम इसका पूरा लाभ उठाएं। आज हम कच्ची हल्दी, अदरक और हरी मिर्च का अचार बनाने की विधि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अचार पर आते हैं। पहले सामग्री पर नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है हल्दी 200 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, हरी मिर्चें 10 से 12। अब तैयारी कर लेते हैं। हल्दी को हमने अच्छे से धो कर रखा है। इसे अब हम छील लेते हैं और इसे स्टीम कर लेंगे। इसके लिए हम पतीले को गैस पर ऑन करके चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। इसमें अब एक गिलास पानी डालकर इसे ढककर उबाल लेंगे। पानी में उबाल आ गया है, पतीले पर छलनी रख लेते हैं और हल्दी को इसमें डालकर ढक देंगे। 3-4 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। खोलकर देखते हैं, हल्दी स्टीम हो चुकी है। अब गैस बंद करके ढक्कन फिर से लगा देते हैं। अब हम इस हल्दी को एक मोटे साफ सूती कपड़े पर फैला देंगे और अच्छे से पोंछ कर एक बोल में निकाल लेते हैं। अब कटिंग बोर्ड और छुरी की सहायता से इसके लंबे टुकड़े काट लेते हैं। यह देखिए, हल्दी को हमने काट लिया है। अब इसे 1-2 घंटे तक धूप में सुखा देते हैं। यदि धूप ना हो तो पंखे के नीचे भी इसका मॉइस्चर निकाल सकते हैं। अब हम पूरी सामग्री को एक साथ देख लें। ये हल्दी है जिसे हमने स्टीम करके धूप में सुखा लिया है। यह हरी मिर्चें भी लंबी काट कर रखी हैं और अदरक को भी लंबे टुकड़ों में हमने काट लिया है। ये नींबू जो आप देख रहे हैं, इनका हम रस निकाल लेंगे। मसालों पर भी नजर दौड़ा लें। यह देगी लाल मिर्च है 1 छोटा चम्मच, नमक 1 चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना जीरा 1/2 छोटा चम्मच, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, राई पाउडर 2 चम्मच। इन नींबुओं को हमने काट लिया है, अब इनका रस निकाल लेंगे। यह नींबू का रस निकला है 1/2 कप के लगभग। अब हम मसालों को इस बोल में इकट्ठा कर लेते हैं। सादा नमक, ये काला नमक है, सौंफ पाउडर, भुना जीरा, देगी मिर्च, ये गरम मसाला, राई पाउडर, लहसुन का पाउडर। यदि आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच पेस्ट डाल सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब सब्जियां मिला लेते हैं। ये हल्दी जो हमने सुखा रखी है, इसमें अब डाल लेते हैं हरी मिर्चें और ये अदरक के टुकड़े भी इसमें डाल लेते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स किए हुए मसाले इसमें डालकर मिला लेते हैं। ऊपर से अब नींबू का रस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिक्स अचार को जार में शिफ्ट कर लेते हैं। यह लीजिए, तैयार है हल्दी, अदरक और हरी मिर्चों का स्वादिष्ट अचार। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी करारी सी हल्दी, अदरक और हरी मिर्चों की के अचार की रेसिपी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया अवश्य सेंड कर दीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को आज ही देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक अवश्य कर दीजिए। आज बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय,
धन्यवाद, नमस्कार।